सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, सभी का एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है और सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये मैंने कुछ पौधे लगा रखे हैं और कुछ मैंने इसमें लगाए हुए हैं बास्केट में। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मैंने लगाए हुए हैं और मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने लगाए हुए हैं कि ये जो आप देखते हैं, ये जो बास्केट्स होती हैं, ये यहाँ से पेड़ों की जड़ जो है ये बहुत आसानी से हवा ले सकती हैं। ये एयर प्रूनिंग का भी काम करते हैं, तो मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि बास्केट में कितने अच्छे होते हैं और ये गमले में कितने अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने ये अलग अलग लगा रखे हैं। तो ये आइस प्लांट के पौधे हैं। पहले तो ये मैंने अपने घर में सीड से उगाए हैं और सीड्स आपको किसी भी खाद या बीज भंडार में आपको सीड्स मिल जाएंगे, और नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आपको सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही डेलिकेट पौधे होते हैं और आइस प्लांट की पहचान ये होती है, ये सकलेन टाइप के होते हैं और इनके ऊपर जो है छोटी छोटी जो है बूंद सरी की दिखती हैं जो शाइन करती हैं। ये देखिए, आपको दिख पा रही होंगी, ये देखिए ये डॉट्स डॉट्स आपको पत्ती के ऊपर दिख रही होंगी। जब सुबह इनको हम देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ओस की बूंदें जमी हुई हैं। तो ये मैंने सीड से उगाए हुए, इनकी सीडिंग करने का सही समय होता है आप अक्टूबर एंड में इनकी सीडिंग कीजिए, जिससे कि आपका जो पेड़ है ये बहुत स्लो ग्रोअर्स होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैंने अक्टूबर एंड में लगाया था और अभी जनवरी फर्स्ट वीक है, तो ये देखिए अभी इनमें धीरे धीरे जो है ये फैलने लगे हैं अब, और अब इनमें थोड़ी ही दिनों में यहाँ से बर्ड्स निकलेंगी और इसमें कलियाँ भी आएंगी। अब दूसरी बात जो आती है, आइस प्लांट जो है वो बर्ड्स को, चिड़ियों को बहुत पसंद होती हैं, तो इनको सीडिंग करने के बाद में सबसे पहली बात कि एक तो ये उगते बहुत मुश्किल से हैं, तो इनको जब आप मिट्टी में लगाते हैं तो पहले से ही आप मिट्टी गीली कर लें। दूसरी बात, जब आप सीड्स, इनके बहुत बारीक होते हैं, तो जब आप सीड्स लगाते हैं तो सीड्स को अपने हाथ में लेके थोड़ी से उसमें आप रेत मिला लें, जिससे होगा ये कि जब आप डालेंगे तो वो उड़ेंगे नहीं यहाँ वहाँ, बहुत बारीक सीड्स होते हैं। फिर उसके बाद में आप उनको लगाने के बाद में उनको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मिट्टी में लगे हुए, गीली मिट्टी में उनको ढाँक के आप रख दीजिए। जब स्प्राउटिंग होने लगे, 10 दिन में इनकी स्प्राउटिंग हो जाती है, 10 से 12 दिन में जब इनकी स्प्राउटिंग हो जाती है, तो आप इनको सेमी शेड एरिया में खसकाएं, लेकिन शिफ्ट कर दें, लेकिन उसको जो है आपके पास यदि दुपट्टे का पतला कपड़ा है या फिर पतली मच्छरदानी है उससे आप ढक दीजिए, जिससे कि चिड़ियाँ किसी भी प्रकार से आपके पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ। मेरे कम से कम 6 से 7 पौधे चिड़ियाँ खा गई हैं, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा ऐसी जगह रख दिया था पौधों को कि चिड़िया जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि इसको खाना है या नहीं खाना है, तो वो एक तरीका है। फिर जब तक आपके प्लांट्स इतने बड़े नहीं हो जाते हैं जितने ये दिख रहे हैं, तब तक आप उनको फुल सन में रखिए, लेकिन उनको कवर्ड रखिए। ये मैंने पौधों के बीच में रखे थे जहाँ पे चिड़िया आसानी से नहीं जा पाती थी, इसलिए ये मेरे इतने प्लांट्स बच गए। बाकी आप देख रहे हैं ये लीव जो है ये चिड़ियों ने खाई हुई है। दूसरा, इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया सकलेन टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनको जब आप पानी देते हैं, अभी देखिए मैंने इसमें कल ही पानी डाली थी, इसकी मिट्टी जो है इसमें नमी है, इसको आप तब पानी दीजिए जब आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो सूख चुकी हो। दूसरा, इनको आप वेल ड्रेन पोरस सॉइल दीजिए, क्योंकि जड़ें जितनी नीचे इनकी स्ट्रांग होगी, ऊपर का प्लांट भी उनका उतना ही स्ट्रांग होगा। वंस इन अ वीक आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, और यदि आप एक सप्ताह में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं फिर इनको पानी की ज़रूरत नहीं है सप्ताह भर, तो आप वैसे दीजिए। दूसरा, इसमें अभी तक मैंने किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन अभी तक देखा नहीं, किसी भी प्रकार की ना एफिड्स इसमें देखे हैं और ना ही मैंने इसमें किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े अभी तक देखे हैं, तो स्प्रे का सवाल ही नहीं होता। बट ये जो है सेमी शेड एरिया में बहुत अच्छे होते हैं, फुल सन इनको चाहिए नहीं।
आप इनको सेमी शेड एरिया में रखिए। और इनके फ्लावर्स जो हैं बहुत ही मल्टी कलर्ड होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, तो इन फ्लावर्स को आप एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।